लाल ठाकुर ने अपने निवास स्थान अंदरोला में भाजपा परिवार मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। शक्ति प्रदर्शन में जुटी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़। कृष्णलाल ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक राणा लखविंदर सिंह पर बिना नाम लिए जमकर प्रहार किए और कहा कि सिर्फ एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में रहें, ना कि कब्जा करने और डराने की नीयत से हम उनका पार्टी में स्वागत करते हैं। उन्होंने विधायक राणा लखविंदर को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें वे किसी भी कार्यकर्ता को गुमराह व धमकाने का प्रयास ना करें। उन्होंने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नालागढ़ में हो रहे जितने भी अवैध कार्य, जिनमें अवैध खनन, नशे का कारोबार सब विधायक का है। इस कार्यक्रम में भाजपा के नालागढ़ के मंडल अध्यक्ष बलदेव ठाकुर के अलावा हरप्रीत सिंह सैनी सहित भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीतांजलि सचदेवा सहित हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर झूमे। कभी होता है जो आप चाहेंगे वो होगा। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कोई आता है ठीक है, कार्यकर्ता के रूप में आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा में तो बहुत बड़ा परिवार है, सब आ रहे हैं इसकी तरफ को, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहे अच्छा बुरा जैसे भी है वो आ रहे हैं, वो आए पर कार्यकर्ता बनकर, या हमें डराने के लिए कब्जा करने के मेहमान बनकर आए तो कब्जा करने के लिए नहीं आ सकते हैं वो। चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में क्यों पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में आ गया भी आ गया, हे ठाकुर आ गया आ गया। उनके कुछ कार्यकर्ता ने, बड़ी शर्म की बात है, सुन लीजिए बड़े ध्यान से, हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को हमें डराना शुरू कर दिया है। क्यों कहते हैं हम ट्रांसफर करवा देंगे, क्यों कहते हैं ईडी के छापे मार देंगे। देखो चोर और चतुर, चोर और चतुर, देख तो खुद चोर है, वो धंधे करते हैं, माइनिंग के धंधे करते हैं, नशा बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, वो नालागढ़ के हेल्थ के रेस्ट हाउस में 20-20, 50-50 बच्चों को नशे की लत लगा रहे हैं लोग, वो माइनिंग दिन रात होती है, हमें चलते हैं उनके करोड़ों कमा लिया उन लोगों ने, फिर ईडी की बात करते हैं। अरे ईडी तो आपके ऊपर पड़नी है, आपको बर्बाद हो जाओगे, ईडी तो आप डिजर्व बात करते हैं। हमारा सब काम ईमानदारी से, पूरे टैक्स से हम काम करते हैं, आप लोग दो नंबर का काम करते हैं, तो आप लोगों का वक्त आने वाला, जो आप बोलते हैं वो आपके साथ होने वाला है मिस्टर, जो लोगों को, बच्चों को बर्बाद नशे से कर रहे हैं आप, आपके अपने बच्चों के साथ ऐसा होगा पता लगेगा। तो नालागढ़ की जनता, जो मेरे सारे शुभचिंतक भाजपा के हैं, वो अपने बच्चों को उनसे दूर रखें, क्योंकि उनको बहुत को बर्बाद कर दिया है।
उनके घरों में भी ऐसा हुआ, पहले अब भी ऐसा ही होगा, पर हम अपने आप को बचाएं, हम अपने आप को बचाएं। वो जो हर कुछ बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो आप हर कुछ बोलते हैं उनको लगाम लगाओ। आप अगर भाजपा को मजबूत करने आए हैं तो ऐसी बातें मत करिए। भाजपा जो है एक बहुत अच्छे लोगों की पार्टी है, सारे साधु संतों की पार्टी है। ये यहाँ गंध आए तो उसको गंध सुधार कर यहाँ आना पड़ेगा, ना कि यहाँ गंध फैलाने की अनुमति दी जाएगी। जो परिवार भाजपा मिलन का कार्यक्रम बनाया, क्या एजेंडा था इनका? एजेंडा इसका ऐसा था कि लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो गई थी, जो हाल की घटनाएं हुई, कि कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम भाजपा छोड़कर चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उनको लग रहा था पता नहीं जो हमारे आए हैं तो शायद टिकटों को दे दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आप सब भी जानते हैं, हम तो जानते हैं, पर कार्यकर्ता रोज 500-500, 400 आते थे, अब कितने को समझाना था, कोई फ़ोन पर भी करते थे बात। तो इसलिए फिर हम चाहे कि पोस्ट डाली हमने कि आज भाजपा परिवार मिलन सम्मेलन जो हम रखा है घर में, इसमें सारे लोग आए, पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इतना बड़ा रश हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे नालागढ़ के जो विधायक है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल आए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो अपने इसके लिए आए, अपने विषय के लिए, जनता के लिए नहीं आए, ना पार्टी के लिए आए हैं। तो अपने आपने पार्टी उसमें कार्यक्रम में बोला है कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं वो तो कुछ नहीं, उसको तो हम एकदम ना लेंगे, टिकट तो हमें दे दिया हाईकमांड ने, लेटर दे दिया है, तो ऐसे टाइप का उसको तो हमको ईडी के छप्पे मरवा देंगे, खाना कर देंगे, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात है। जबकि उस लाइफ तो वो है अपने आप, उसका पूरा जो कुनबा है, उनके पूरे जो स्कूटर है जो लूट रहे हैं दिन रात, तो आप चाहे माइनिंग के माध्यम से हो, चाहे नशे के माध्यम से हो, नशे के व्यापारी हैं गुरु सारे नालाड़ के, ऐसा लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। उनकी एंट्री से पहले आपको कंसल्ट किया गया था? नहीं, आप भाई कुमार द्वारा पूछा नहीं गया? नहीं, जिस दिन एंट्री होनी थी उस दिन सेवा, उस दिन सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया था, वैसे हम कर रहे हैं, आप चिंता ना करिए, आप जैसे जनता में वैसे रहिए, आप ही ने इलेक्शन लड़ना, क्योंकि 5 साल आपने लोगों से मारा। कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मैंने दिया जैसे है, कार्यकर्ता जैसे जुड़े हुए वैसे जुड़े, कोई भाजपा छोड़ कर ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पहले भाजपा गुट में राणा गुट और केएल गुट की समावेश? सारे भाजपा मेरे साथ हैं, सारी भाजपा इकट्ठी है मेरे साथ है। वो तो वो लोग हैं साथ उधर जिन्होंने कभी भाजपा को वोट नहीं डाली है, चाहे वो पदाधिकारी क्यों ना हो। उनकी मेंबरशिप भी कई बार कैंसिल की थी एचएन के समय, उनको मेंबरशिप के लिए भी लालने पड़े थे, केंद्र तक जाना पड़ा था। वो लोग हैं, सारा वो कुनबा है, वो कभी भाजपा को वोट नहीं डालते हैं, वो लोग हैं। तो इससे मतलब ये है कि उनको एक्सेप्ट करने में भाजपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे आप? उनको मैंने विश्वास दिलाया फिर भी आप पार्टी में रहिए, कुछ कोई चक्कर नहीं है, टिकट जिसको जनता चाहेगी, कार्यकर्ता चाहेंगे, जिसका सर्वे होगा उसी को मिलेगा। ये तो जाहिर आपको पता किसको, ये तो जाहिर है कि विधायक है, एक पार्टी छोड़ के आया, टिकट की दावेदारी को।